गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको मॉडल इंडिया पढ़ाऊंगा। मॉडल इंडिया में हमारा टॉपिक होगा री इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे उद्योगों को आकर यहाँ पर बर्बाद किया, ये उनकी पॉलिसी में आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि आए थे व्यापारी करके हमसे कच्चा माल लेते थे और वहाँ पर आके बेचते थे, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि हमसे पक्का माल लेते थे और वहाँ पर बेचते थे, लेकिन एक समय ऐसे आ गया कि अब हमसे कच्चा माल लेने लगे। हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वहाँ पर कैसे बर्बाद हुई, है ना, क्योंकि वहाँ पर एक औद्योगिकरण हो गया था, मशीनी व्यवस्था आ गई थी, तो उन्होंने हमारे क्या बोलते जो उद्योग थे, कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, है ना, बर्तन इत्यादि उद्योगों को उन्होंने किस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से बर्बाद किया, है ना। ये कुछ अलग अलग चरण में हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 1857 में यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट्स मिलने के कारण जो वहां से उन लोगों को आय होती थी उस आय का प्रयोग वो करते थे हमारे यहाँ पक्का माल खरीदने में। अभी भी हमारे यहाँ से पक्का माल खरीद रहे हैं और इंग्लैंड में जाकर उनको बेचा जा रहा है ना। ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जब उनके बाद में पैर पसंद शुरू हुए और उन्होंने बड़े बड़े क्षेत्रों पर एक्सपेंशन किया, बड़ी जागीरों को, जमींदारों को उनको अपने अंडर में किया, एक यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त जैसी भू राजस्व की व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था के परिणाम से जो उनके पास आय होती थी उसका वह कैसे प्लानिंग के तहत उपयोग कर रहे थे, है ना। जैसे कि भारतीय राज्यों का पतन ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों द्वारा एक सुव्यवस्थित प्लानिंग के तहत किया गया था। वह प्लानिंग इस तरीके से थी कि वो नहीं चाहते थे कि हमें यहाँ से पक्का माल खरीदना पड़े, क्योंकि यहाँ पर भारतीय व्यापारियों को बहुत बड़े स्तर पर बेनिफिट हो रहा था। और ये समझ लीजिए कि हमारा 18वीं सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में 25% ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड 25% हिस्सा था। आज अगर हम देखें 2021 में 2022 में हमारा सिर्फ 1% हिस्सा आज व्यापार में है। ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से हमारा व्यापार पूरी तरीके से पतन की ओर पड़ा, ठीक है, इसको मैं आप लोगों को लेक्चर समझाऊंगा और लेक्चर के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि कैसे इन लोगों ने व्यवस्था में प्लानिंग की, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स ने ये किया कि यहाँ पर भेजा के उन्होंने एक बंगाल घर से अपने दीवानी राइट्स मिले, तो उन लोगों ने यहाँ से पैसे इकट्ठे किए और यहाँ से ही माल खरीद कर विदेशों में खपाते थे। जो आय वहाँ पर होती थी वहाँ से इंडिया को क्या बोलते लाते थे, किस लिए, ब्याज के रूप में, जो हमारे 1853 के आसपास जो रेल व्यवस्था तैयार की गई और रेल व्यवस्था इसलिए तैयार की गई थी कि वो अपना माल जो पक्का माल था, ठीक है, वो इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में, गांव-गांव तक क्षेत्रों में उसको पहुंचा सके। ये आप लोगों के लिए, ये रेल व्यवस्था हमारे लिए नहीं की गई, उन्होंने अपने फायदे के लिए अपने लोगों के लिए की थी, जिससे वो अपने विदेशी उत्पादों को भारत में खपा सके। और ये इंटरेस्टिंग है कि 1800 के जो ब्याज की रकम थी भारतीय उद्योगपतियों से ना लेकर, भारतीय उद्योगपतियों से ना लेकर वह ले रहे थे इससे इंग्लैंड से उधार 5% की दर पे। आज भी अगर बैंक में जाएंगे आप इंडस्ट्रीज के लिए लोन मांगेंगे तो आपको मुश्किल से 1% की दर पे मिलेगा, लेकिन ये हमको मिला था 5% की दर पे। और उन्हीं का पैसा उन्हीं के फायदे के लिए जुगा रहा था कौन, हम, ठीक है। इसके संदर्भ में एक बात लाल लाजपत राय ने बोली थी शायद कि किसी की वाइफ का सिंदूर का खर्चा कोई और उठा रहा है ना। तो वही चीज थी यहाँ पर भी कि ये लोग रेलवे अपने फायदे के लिए लेके आए, किया काम सड़कें अपने लिए बनाई, ठीक है, डैम अपने लिए बनाए, लेकिन पैसे कौन मारता था, इंडियंस, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे इन लोगों ने अपना काम किया। भारत में इन्होंने अपने अपने कारखाने शुरू कर दिए 1857 के आसपास। भारत में
इतना ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं हुआ था, लेकिन 1800 हम एक्ट पढ़ते जाए, जैसे 1833 अधिनियम में, 1833 के अधिनियम में भारत से एकाधिकार खत्म हो गया पूर्णतः व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब जो भी चाहे इंडिया के साथ व्यापार कर सकता था ब्रिटिशर्स, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, जो वहां के उद्योगपति थे, क्योंकि यहाँ पर एक नई पॉलिसी काम कर रही थी, यहाँ पर बैंकिंग जो भी काम कर रही थी, जिस नंबर ऑफ गुड्स नंबर ऑफ पीपल्स है ना, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख, इस सिद्धांत के द्वारा वह यह चाहते थे कि इंडिया में अधिकतम व्यापारियों के लिए व्यापार करने का मौका मिले। तो जो वहाँ की अभी यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, मशीनें आ चुकी थी, लेबर उनके पास पर्याप्त मात्रा में थी, तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे, जैसे कि हमारे यहाँ स्थायी बंदोबस्त पूरा समस्या लागू हुई, तो किसान भूमिहीन हो चुके थे, किसानों के लिए भूमियाँ थी, अगर वो नहीं चुका पाए कर्ज स्वरूप या टैक्स नहीं भर पाए, उनकी भूमि जब्त कर ली जाती थी, तो वो सारे जो किसान थे अब भूमिहीन हो चुके थे, और भूमिहीन होने के पश्चात उनके पास करने को कुछ नहीं था, तो जो कुछ नहीं करता वो क्या करता है, मजदूरी। आज भी हम देखते हैं हमारे गाँव में हमारे लोग हैं जो किसान नहीं है, क्या करते हैं, शहरों के और प्लान होते हैं मजदूरी करने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया, भारतीय जैसे सूरत, अहमदाबाद, कोच्चि, चेन्नई है ना, भड़ौच, इन तीन क्षेत्रों में इन लोगों ने, मसूलीपट्टनम, इन क्षेत्रों में अपने अपने छोटे छोटे हाथकरघा जो मशीनें थी वो लगाना शुरू किया। अब हमारे यहाँ जो बुनकर थे, जो बुनकर कपड़े बुनते थे, उनकी जो काम था काम तो अच्छा था, लेकिन फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं थी और काम करने में देरी होती थी, इसलिए वो उनके वस्त्र महंगे होते थे, लेकिन जो मशीनों से वस्त्र बनते थे वो थोड़े सस्ते होते थे। तो हमारे अगर हम उपभोक्ता के तौर पर देखें तो कोई व्यक्ति कोई महंगे कपड़े क्यों पहनेगा, तो इन्होंने कोशिश की कि हम सस्ते कपड़े पहने। वो सस्ते कपड़े कहाँ से मिलेंगे, ब्रिटिश मशीनों द्वारा बने हुए कपड़े है ना, चाहे सूती कपड़ा हो चाहे ऊनी कपड़ा हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक सिंथेटिक एक टेक्निक लोगों के पास आ चुकी थी, अब सिंथेटिक रेशम जो रेशम कीड़ों से उगाया जाता है, सिंथेटिक रेशम जो कि मशीनों के द्वारा बनाया जाता था उसका प्रयोग किया जाने लगा। उस सिंथेटिक रेशम के द्वारा इन लोगों ने हमारे जो रेशम उद्योग था उसको क्या होता है, धीरे धीरे डिमोडलाइज करने की कोशिश की है ना। तो यहां पर क्या करते थे, पहले कच्चे माल पर हमारे यहां से, अब क्या हुआ धीरे धीरे जिन लोगों ने जो हमारे यहां से पक्का माल लेके जाते थे, अब पक्का माल नहीं ले रहे, और जो भारतीय जो हम वस्तु एक्सपोर्ट करते थे इंग्लैंड में, और इंडिया से जो वस्तु एक्सपोर्ट हो रहा है इंग्लैंड में उस पर 100% की दर से शुल्क लगा दिया, और भारत में जो कपड़ा इंग्लैंड से आ रहा है, भारत में जो कपड़ा इंग्लैंड से आ रहा है उस पर 0% की शुल्क थी। मतलब जो शुल्क हमें मिलनी चाहिए थी इंडियंस को, वो शुल्क उनसे नहीं मिल रही थी, उल्टा हमें शुल्क वहां पर देनी पड़ रही थी। तो मान के चलिए जो उत्पाद 10 रुपए का होगा, ठीक है, इंग्लैंड या उसके रूप में देखें तो वह इंग्लैंड में जाकर 20 रुपए का हो जाएगा, और जो इंग्लैंड में 10 रुपए का व्यापार 10 रुपए का जो कपड़ा होगा इंडिया में अगर आएगा तो वह कपड़ा कितने का हो जाएगा, 10 रुपए का, क्योंकि उसमें 0% टैक्स शुल्क नहीं है, है ना। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमारे साथ चीटिंग हुई, जो बी औद्योगिकरण की प्रक्रिया है ये सुनियोजित प्रक्रिया थी, वेल प्लानिंग प्रक्रिया, जिसमें इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं, डिमोलिश किया, हम जो पक्का माल बनाते थे उस पर टैक्स लगाया, वो माल बिकना बंद हुआ, इन्होंने मशीनों से कपड़े बनाए, वो कपड़े सस्ते होते थे, सस्ते होने के साथ साथ जो उनका एक्सपोर्ट होता था उस पर 0% का शुल्क लगाया, 0% शुल्क से उन पर कोई बोझ नहीं पड़ता था, और जो हमें टैक्स मिलना चाहिए था इंडियंस को वह टैक्स भी नहीं मिल पाता था। तो ये जो बैल व्यवस्था थी क्या सुप्लानिंग, ठीक है, तो ये जो सुव्यवस्थित प्रक्रिया थी, इससे हमें एक चीज हमें देखने को मिली कि हमारा जो व्यापार था अभी भी इनसे टक्कर दे रहा था, अभी भी सूती वस्त्र जो बनकर बना रहे थे अभी भी वो मास्क देने का होता था, लेकिन ये धीरे धीरे हमसे हमारे उद्योगों को छीनने के लिए इन्होंने कुछ और भी षड्यंत्र किए है ना, जैसे कुछ उद्योगों पर टैक्स लगाए, कुछ बुनकरों पर टैक्स लगाए, उनको अब क्या बोलते उनसे पक्का माल खरीदना बंद कर दिया, उनसे बोला कि हमें आपसे कच्चा माल चाहिए, और इसके लिए जो जमींदार भूमि वर्ग थे उन लोगों से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कि हमें आपसे रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, और बदले में हम आपको पैसा देंगे,
ठीक है, उससे कॉन्टेक्ट साइन होने लगे। तो जो बीच का जो भूमिहीन वर्ग था, जो बुनकर या सिलकार वर्ग था, उसको कच्चा माल मिलना बंद हो गया क्योंकि वो पूरा माल पहले उठा लेते थे। तो हमारे यहाँ से अब क्या बोलते इंडस्ट्रीज धीमे धीमे बंद होने लगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली बात करें तो ब्रिटिश आर सो लकी बिकॉज दे हैव टेक्निक्स, दे हैव मैकेनिक्स, दे हैव लेबर। सो उन्होंने क्या किया कि हमारे जो सरकार थे, हमारे बुनकर थे, उन लोगों को डिमोलाइज करना शुरू किया, है ना। ये चीज क्या होती है आप लोगों को डीइंडस्ट्रियलाइजेशन का, डीइंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है डी औद्योगिकरण, ठीक है, मतलब हमारे जो उद्योग हैं उनका उल्टा होना, मतलब उद्योग बंद होना, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है ध्वस्त किया है। यह नहीं था कि हमारे वस्त्र अच्छे नहीं थे उस क्वालिटी में। आज भी हम खादी के वस्त्र देखें और भी वस्त्र देखें तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मशीनों की तुलना में थोड़े से कम होते हैं और जल्दी से बन भी नहीं पाते। मशीनों से आप 10 पैंट बना लेंगे और चले बुनकर उतने टाइम में एक पैंट बना पाए, है ना। ये चीज हो रही थी। तो मास लेवल पर वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था। मैनचेस्टर स्पॉट जो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ था, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े क्या उनके प्रोडक्ट्स तैयार होने लगे। और वो बेल प्लानिंग के साथ साथ कोशिश कर रहे थे हम इंडस्ट्रीज को किस तरीके से सेटअप बनाए, है ना। वह सेटअप एक टाइम पीरियड के लिए था, लेकिन वह जो उनकी जो टेक्निक्स थी, उनकी जो रणनीतियाँ थी, वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती चली गई। जैसे कि मैं आपकी बात करता था कच्चे मालों का निर्यात, तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात व्यापक मात्रा में कच्चे माल का निर्यात किया गया। इससे कच्चे माल की कीमतें बढ़ी एवं स्वदेशी उत्पादों की लागत भी बढ़ी, क्योंकि अब जो क्या है कि पहले कच्चा माल कम मात्रा में खर्च होता था कि कमी लोग बनाते थे, लेकिन अब जो अंग्रेज बड़ी मात्रा में भर के ले जाते थे माल को, वह अब हमारे जो बुनकर थे उनको मिलना बंद हो गया धीरे धीरे, है ना। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर अंतर्देशीय इंटरनल सीमा शुल्क, ये जो सीमा शुल्क थी उस सीमा शुल्क के माध्यम से कोशिश ये की जाती थी कि हम कम से कम मात्रा में इन पर शुल्क लगाएं। इस पर ब्रिटिशर्स पर कोशिश करती थी, क्योंकि ब्रिटिश सारे अधिकारी यही थे, यहाँ पर जितने सेटअप था ब्रिटिशर्स का वही लोग थे। अपने माल पर टैक्स नहीं लगाते थे, हमारे माल पर टैक्स लगाते थे, तो हमारा माल महंगा पड़ जाता था, तो नहीं बिकता था मार्केट में, ठीक है। ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है, है ना। नेक्स्ट है 1813 तक उपरोक्त कारणों से भारतीय उद्योग को नुकसान तो हुआ, भारतीय उद्योग को नुकसान हुआ, फिर भी कंपनी के द्वारा भारतीय उत्पादों का निर्यात जारी रहा, फिर भी भारतीयों का जो निर्यात था वह रेगुलरली हो रहा था, है ना। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के पश्चात भारतीय उद्योगों को व्यापक नुकसान हुआ, ठीक है। ब्रिटिश आवश्यकताओं को देखते हुए भारत को बाजार कच्चे माल के स्रोत के रूप में परिवर्तित होने के लिए नीतिगत स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़े, ठीक है। जैसे कि मुक्त व्यापार की नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी को मैं आपको डिस्कस करूँ कि 1813 में ना केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एक अधिकार समाप्त किया गया, मैंने आपको बताया 1813 में मतलब पूरी तरीके से 1813 तक व्यापार समाप्त हो गया, है ना। तो फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है रेलवे की, जो मैंने आप लोगों को बताया कि रेलवे के माध्यम से भारत के हर एक अंतिम छोर तक भारतीय मालों को खपाने की कोशिश करने लगे, मतलब जहाँ जहाँ गांव-गांव तक नई प्रोडक्ट्स पहुँच पाते थे कोशिश रही उनको उन प्रोडक्ट्स को भारत के अंदर पहुँचाने की। इससे क्या हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से छीण हो गई, जो भारतीय बुनकर वस्त्र इत्यादि उद्योग थे वह पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, डिमोलिश हो गए, है ना। और जो किसान वर्ग था वह एक भूमिहीन और मजदूर वर्ग की भूमिका में भारत में रह गया। मजदूर वर्ग की भूमिका में रहने से उनके पास क्या एक चीज़ हुई कि वह अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वह सिर्फ जो ब्रिटिश द्वारा कारखाने लगाए जाते थे वहाँ पर मजदूरी करने लगे, जो कि हम आज भी देखते हैं कि हमारे यहाँ एक बड़ा वर्ग श्रमिक और मजदूर वर्ग के रूप में काम कर रहा है ना। दैट इज क्लियर। सो इसके साथ साथ श्रम की बहुलता के कारण शोषक वर्ग, किसानों के शोषक वर्ग द्वारा कृषि के आधुनिकीकरण का प्रयास नहीं किया गया। अगर ब्रिटिशर्स चाहते तो जो मशीन इंग्लैंड में यूज की जा रही है, वह भारत में भी यूज कर सकते थे, भारतीयों को भी वो टेक्निक दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने वह टेक्निक ब्रिटेन में ही रखी। भारत में 1853 के बाद जो छोटे छोटे मिल खुलने लगे, उन्हीं के मिल, ठीक है, उनसे सीखकर भारतीयों ने सीखा कि हम कैसे तैयार कर सकते हैं मशीन इत्यादि, तब हमारे क्या उद्योग थोड़े से स्थापित हुए। लेकिन 1857 से
1757 से लेकर 1857 तक 100 वर्ष में भारतीय उद्योग जो कि एक सबसे बेनिफिट बल्ब में क्या बोलते हैं अपना एक पैड रखता था, महत्वपूर्ण भूमिका रखता था, वह क्या बोलते पूरी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर खत्म की जा रही है। तो बी औद्योगिकरण का मतलब मैंने जो आपको समझाया है ना, उसका आप लोग क्या बोलते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना कि विद्युतीकरण का मतलब है औद्योगिकरण की प्रक्रिया को उल्टा कर देना, मतलब हम उद्योग से उल्टा किसानी की ओर बढ़ रहे हैं। ये पहली बार आपने देखा होगा कोई देश उद्योग से मजदूर बन रहा है ना, भूमिहीन हो रहा है। लेकिन आप आज भी देखते हैं कि हम लोग धीरे धीरे अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ चुके हैं है ना, टेक्निक्स आ गई हमारे पास, तो ये चीज़ यहाँ पर उल्टी हो गई थी इंडिया में। इसके बारे में इतिहासकारों में कई सारे डिबेट्स हैं है ना, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था आप लोगों के लिए, तो आप इसको ध्यान रखना ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना इसके लिए।